वेलकम गाइस टू प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मेरा नाम रवि शॉ है। आज का टॉपिक देख लेते क्या है। आज का टॉपिक है इंटरनेट कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग। इसमें हम करेंगे आज जावास्क्रिप्ट। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू मूव अ टेक्स्ट विद अ माउस पॉइंटर। तो क्या है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है जिसमें जो टेक्स्ट है वो माउस का पॉइंटर के साथ हिले। चलिए शुरू करते हैं। तब सबसे पहले तो नोटपैड खोल लेंगे हम। नोटपैड खुला हुआ है क्या? अच्छा, ये कुछ और है। चलिए नोटपैड हमने खोल लिया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसको सेव कर लेते हैं, नाम देते हैं इसको pointer.html। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि .html हमेशा यही एक्सटेंशन हो। और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स, कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव। तो यहाँ पे हम देख सकेंगे, यहाँ पे मेरा पॉइंटर नाम का एक html पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हम अपना कोड लिखेंगे।
तो गाइस मेरा यहाँ पे कोडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सेव ये रहा पॉइंटर, ये देख रहे हैं रवि नाम फ्लोट कर रहा है, जहाँ माउस है वहीं पे जा रहा है, ठीक है। मैं कोडिंग आप समझा देते कैसे क्या हुआ है। आते हैं यहाँ पे, तो जैसा टाइप किया हुआ मैंने यहाँ पे कुछ गलती किया था क्या, कि जो स्पेस है वो मैंने यूज़ किया था एब्सोल्यूट टर्मिनेट के बाद में, सेमीकोलन के बाद में, तो वो स्पेस स्पेस कुछ नहीं यूज़ करना है। जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो हेड के अंदर हम करेंगे क्या, स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर करेंगे हम टाइप टेक्स जावास्क्रिप्ट, उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे एस विथ और एस हाइट के, और स्क्रीन का दे देंगे, ठीक है। स्क्रीन डॉट विथ -60, ये जितना भी विथ होगा -60 या -200 करके दिखाएगा। वेरिएबल एक्स और वाई लेंगे, विंडो ऑन लोड इनिट कर देंगे कि जब लोड होगा वो इनिट को लोड करेगा, माउस इवेंट को लोड करेगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अपना स्टाइल लिख देंगे, जो भी स्टाइल लिखना है, एज एब्सोल्यूट, जैसे पोजिशन एब्सोल्यूट है, विजिबिलिटी विजिबल है, लेफ्ट मार्जिन कितना है, टॉप मार्जिन कितना है, राइट में कितना है, विथ कितना है, हाइट कितना है, ठीक है, कलर क्या है, अब विथ कैसा रखेंगे। उसके बाद जो नाम है यहाँ पे रवि, आप कोई भी नाम इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये डिव टैग में अंदर का बंद हो गया, ब्रैकेट अंदर का डॉक्यूमेंट डॉट राइट का बंद हो गया। फिर फंक्शन इनिट को कॉल करेंगे, इफ विंडो डॉट इवेंट को कॉल करके डॉक्यूमेंट डॉट कैप्चर इवेंट, इवेंट डॉट माउस मूव, माउस मूव जैसे माउस मूव कर रहा है उसको ले रहे हैं, और डॉक्यूमेंट ऑन माउस मूव गेट एक्स वाई, उसका एक्स वाई का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेके ई में डाल के विंडो, और एक्स इक्वल्स टू विंडो डॉट इवेंट क्वेश्चन मार्क ई डॉट पेज एक्स कोलोन इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स वाई, ये जो क्लाइंट एक्स है ये एक्स का कोऑर्डिनेट ले रहा है, लेके ई पेज को दे रहा है और ये इवेंट को दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक्स और वाई दोनों के लिए सेम है। उसके बाद इफ एक्स एस विथ, अगर एस विथ बड़ा है से एक्स से, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई एडी टेस्ट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, इतना करके यहाँ पे एक्स प्लस पी एक्स जितना पी एक्स में आएगा, और वाई के लिए भी सेम। उसका स्क्रिप्ट मेरा बंद हो जाएगा, हेड का टैग बंद होगा, बॉडी का टैग खुल, बॉडी का टैग में यहाँ कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं हेड के नीचे, मैंने दिया नहीं है, टाइटल दे देता हूँ टेक्स्ट विथ MOUSE माउस POINTR पॉइंटर, सॉरी POINTR पॉइंटर, ठीक है। टाइटल चल हो गया, फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं चला कि नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को शेयर करो जितने फ्रेंड्स तुम्हारे हैं, जितने भी तुम्हारे पहचान वाले हैं, सबको इस वीडियो के बारे में बताओ कि हाँ ये लेटेस्ट वीडियो आया है। और मेरा एक फेसबुक का पेज भी है जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के नाम पे है, उसको भी जाके लाइक करो। थैंक यू।